न्यूज स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले दो लोगों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की टीम ने देश के बेरोजगार युवाओं भारतीय रेलवे में फर्जी नौकरी देने वाले एक गिरोह के दो ऐसे ठगी को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ रेलवे में नौकरी देने का दावा ही नहीं करते थे, बल्कि रेलवे के नाम का फर्जी कागजात तैयार कर ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग लेटर और पोस्टिंग लेटर के साथ सैलरी स्लिप भी दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोग देश के बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए लेकर रेलवे में अलग अलग पोस्ट की नौकरी देने का दावा करते थे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप भी देते थे। युवाओं को 3 महीने का ट्रेनिंग भी देने का काम किया करते थे। पुलिस ने राजेश कुमार तांती 28 वर्षीय और मनीष सिंह उर्फ सरोज कुमार उदय भान राय 39 वर्षीय नाम के दो ठगी को बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। अब इनकी बाकी की साथियों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस रेलवे का फर्जी कागजात बनाने वाले गैंग की भी तलाश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के यहाँ पे एक गिरोह जो भारतीय रेलवे में अलग अलग तरीके के जॉब देता है, इस तरह का धोखाधड़ी करने वाला गैंग काम करता है, इस तरह की बात पता चली थी। इसके तहत हमने एक अपराध दर्ज किया था। शुरुआत के तफ्तीश में हमें पता चला कि इसमें एक इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय टोली है जो गिरोह इसमें काम कर रहा है, और यह गिरोह अलग अलग स्टेट के युवकों से जो बेरोजगार है उनको रेलवे में जॉब देने का बहाना बता के उनसे पैसे ऐंठ रहा है। इसमें उन लोगों का जो ठग जा रहे हैं उनका उन पर भरोसा हो, इसलिए रेलवे के फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के उनको दिए जा रहे थे। इसके साथ में रेलवे में उनको अपॉइंट किया गया है, इस तरह के अपॉइंटमेंट लेटर जो टिकट चेक करके है या इधर अनेक पोस्ट के दिए जा रहे थे। इसके साथ में ये भी पता चला है कि उनका विश्वास संपादन करने के लिए उन्होंने 3-3 महीने का उनका ट्रेनिंग लिया है, हॉस्पिटल में उनका मेडिकल जांच करवाई है। इसके साथ में अलग अलग रेलवे स्टेशन का उनको वहाँ पे पोस्टिंग के लेटर दिए गए हैं जो फर्जी बनावट है, और साथ में बनावट तरीके से बनाए हुए सैलरी स्लिप भी उन्हें दिए हैं। कुछ मामले में ये भी पता चला है कि उन्होंने हमारे जो ठगे हुए बेरोजगार युवक हैं उनके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करके उनके पेमेंट के पैसे इस तरह से बताया गया है। साथ में उन्होंने उनका सर्विस शीट जो रेलवे की है वो भी बनावट तरीके से बना के उनको दी गई है। इस पूरे मामले में सैकड़ों लोग हैं जिनको ठगा गया है। हमारे जांच में और हमारे इन्फॉर्मेंट से पता चला कि इसमें के दो आरोपी है वो यूपी में है। हमारे क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की यूनिट यहाँ पर पहुँची, उन्होंने वहाँ पर रेकी करके वो दो जो आरोपी है उनको अपने कस्टडी में लिया। वहाँ पे छापा कार्रवाई में वहाँ पे इस आरोप से संबंधित जो इतर दस्तावेज है उनको भी अपने लीगल तरीके से कब्जे में लिया, और उन दोनों से पूछताछ करने के बाद ये भी बात पता चली कि इनको साथ देने वाली मुंबई में एक महिला आरोपी है जो इनको पहचानती है। उसी आरोपी को भी, महिला आरोपी को क्राइम ब्रांच यूनिट ने अपने कब्जे में लेके पूछताछ करने के बाद में अरेस्ट किया। इस तरह से तीनों आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में जब कोर्ट में पेशी की गई तो कोर्ट ने हमें उनके आगे के जांच के लिए कोर्ट पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चला है कि इसमें मुंबई में साकिना का पुलिस स्टेशन, इसके साथ में बिहार और अन्य जगहों पे भी इस मामले में केस दर्ज है और इसमें ये आरोपी होने की आशंका है। इसमें हम इनके और कौन कौन से साथीदार हैं, इन्होंने ये जो फर्जी बना और डॉक्यूमेंट बनाए ये किस तरह से बनाए हैं, इनका कोई कनेक्शन रेलवे से या रेलवे में काम करने वाले कोई अधिकारी या कर्मचारी से है, इस मामले में हम आगे जांच कर रहे हैं।